ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के लिए अमेरिकी सेना को आतंकवादी करार दे दिया है। ईरान ने इराक में अमेरिका के 2 एयरबेस पर हमला कर दिया है। 7 जनवरी को ईरान की राजधानी तेहरान में जब सुलेमानी का जनाजा निकला तो इसमें शामिल होने 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। भगदड़ मच गई और 35 लोगों की मौत हो गई। ना कोई सियासी नेता और ना ही धार्मिक नेता, फिर ये शख्स सुलेमानी था कौन जिसकी मौत पर ईरान को इस कदर गुस्सा आया है, जिसे सपुर्दे खाक करने इतने लोग तेहरान की सड़कों पर उमड़ पड़े। सुलेमानी को ईरान का दूसरा सबसे ताकतवर शख्स माना जाता था। सुलेमानी को ईरान के सुप्रीम लीडर अयतोल्ला अली खामेनेई का करीबी माना जाता था। खामेनेई ने तो सुलेमानी को क्रांति का जीवित शहीद बताया था। 2013 में न्यूयॉर्कर मैगजीन के डेक्स्टर फिल्किंस ने शेडो कमांडर नाम के लेख में सुलेमानी के बारे में लिखा था, वो मिडिल ईस्ट में सबसे ताकतवर ऑपरेटिव हैं इस समय और उनका नाम किसी ने नहीं सुना है। दरअसल सुलेमानी ईरान की कुद्स फोर्स के चीफ थे। ये कुद्स फोर्स रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प का हिस्सा है। कुद्स फोर्स 1980 में ईरान इराक युद्ध के समय वजूद में आई थी। इसकी स्थापना मुस्लिम जमीन की रिहाई के लिए की गई थी और इसके नाम का अरबी मतलब जेरूसलम फोर्स होता है। इसका काम गैर पारंपरिक युद्ध और ईरान के विदेशी मिशन को अंजाम देना है। ईरान इराक युद्ध में सद्दाम हुसैन के खिलाफ कुर्दों को खड़ा करने से लेकर लेबनान में हिजबुल्ला और सीरिया में बशर अल असद को मजबूत करने का काम कुद्स फोर्स ने बखूबी करा है। कासिम सुलेमानी ईरान इराक युद्ध के हीरो थे। साधारण बैकग्राउंड के बावजूद सुलेमानी ने ईरान की मिलिट्री लीडरशिप में बहुत तेजी से सीढ़ियां चढ़ी थी। 1998 में कुद्स फोर्स के प्रमुख बनने के बाद उनके नेतृत्व में फोर्स ने गैर पारंपरिक युद्ध के तरीकों में इंटेलिजेंस और इराक लेबनान सीरिया में ईरान की जरूरत के मुताबिक काम करने में सफलता पाई थी। सीरिया में जब असद की सेना इस्लामिक स्टेट के सुन्नी लड़ाकों के सामने कमजोर हो रही थी तो कुद्स फोर्स ने वहां शिया मिलिशिया तैयार की, जिसके समर्थन से असद इस्लामिक स्टेट को तिक्रित जैसे महत्वपूर्ण इलाके से खदेड़ पाए। अपने बाकी मिशन के साथ ही फोर्स की इस सफलता ने जनरल सुलेमानी को ईरान में लोकप्रिय बना दिया था। कोई ताज्जुब नहीं, सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान की जनता में भारी गुस्सा है। और यही गुस्सा ईरान की सरकार के बयानों में भी नजर आ रहा है। और सुलेमानी के जनाजे में लाखों लोगों का उमड़ना भी इसी बात का सबूत है कि वो ईरान के हीरो थे। ईरान के लिए ये इतना बड़ा सदमा है कि वो अमेरिका से भिड़ने को तैयार हो गया है और इसका असर पूरी दुनिया के माहौल पर पड़ने वाला है। तनाव बढ़ने का फौरी असर यहाँ अपने देश में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के तौर पर देखने को मिल सकता है।